बंदरों का इलाका है क्या, लग गए क्या? हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल, आई होप यू आर ऑलरेडी फाइन। तो अभी जाना है हमें मंदिर दर्शन करके वापस आएंगे, वापस आके फिर चेकआउट करेंगे, चेकआउट करके भी कहीं जाएंगे। ये जो स्कूल है ना वो कहाँ है, गुरुकुलम स्कूल है ना, निकेतन ऐसे करके कुछ स्कूल है, हमारे घंटा का फेमस स्कूल है, बहुत दूर दूर से हम लोग पढ़ने के आते हैं। यहाँ से कुछ लेगी तो देख ले, देख ले, आ रहे ना यार दर्शन करके फिर आते हैं, ठीक है। गए हम लोग मंदिर परिसर के बाहर में, बाहर बहुत सारी लोग बैठे हुए हैं। क्या बोल रही थी तुम? तो अभी भी तो फॉरेनर लग रही है क्या? है लग रही है, तो अच्छा मंदिर है, पूरा वाइट ही वाइट लग रहा, नहीं एकदम नर्मदा प्रसाद एंड राजस्थान स्वीट्स। हम लोग आ गए मंदिर परिसर के अंदर, माँ नर्मदा मंदिर, और यहाँ पर पानी हो गया, कुंड का पानी ना बाहर निकाल रहे हैं, श्री नर्मदा माता का उद्गम स्थल जो है। वाह अमेजिंग, इतना ब्यूटीफुल मंदिर है, एकदम वाइट है वाइट, ऐसा लग रहा है कि राजा के महल। यहाँ नारियल फोड़ना मना है, नारियल नहीं फोड़ना बिल्कुल, बता तेरे सर फोड़ दूंगा नारियल पूरी, तो यार बता रहा हूँ ट्रस्ट वाले लोग छोड़ेंगे नहीं तेरे को। अच्छा जब भी यहाँ हमारा घंटा गाँव ना तो बहुत बढ़िया लगता है, तेरे को कैसा लगता है जब भी आओ तो? मेरे को जब भी आता हूँ ना यहाँ तो बहुत बढ़िया लगता है, एकदम फीलिंग अमेजिंग लगता है, मज़ा आ जाता है। बंदरों को सब खाने के लिए दे रहे हैं, हम भी थोड़ा बहुत खिलाया चना वना। क्या देखना है? वो तो अच्छा लग रहा है, पुराना होली देख ले। यहाँ ना तेरे को सिर्फ नारियल प्रसाद और बच्चों के खिलौने और टोपी ओपी इतना ही मिलेगा, बता इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, उम्मीद मत रखना। वाओ क्या लोकेशन है यहाँ, बहुत मजा आ रहा है यार। यहाँ पहुँचने वाले हम लोग सोनमुड़ा, बंदर ही बंदर, छुपा कैमरा छुपा, बंदरों का इलाका है, इतना बंदर है ना पीछे, हालत खराब हो गया, चना को ना ऐसा लूट लूटे खा रहे ना, क्या बताना। एक लेडीज का बैग छीन लिए थे इन लोग बंदर लोग, इतने यहाँ के सोनमुड़ा की कब्जा करके रखे हैं। बंदर का व्यू भी बहुत बेहतरीन का आ रहा है, सोनमुड़ा के मेन पॉइंट पे आ गए हैं, कितना बेहतरीन व्यू है यहाँ से, पूरा अमरकंटक क्या है यार, कोई सा भी पहाड़ी है दिख रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है। इधर एक बाबा बैठे हैं, मूर्ति है उसका, ऐसा लग रहा है कि रियल का कोई बाबा बैठे हैं, सिद्ध मुनि बाबा पता नहीं जो भी है, लेकिन यहाँ का व्यू बहुत बेहतरीन है। आ गए हैं एक ऐसी मंदिर पे जहाँ बोला जाता है कि एक नवाइन थी, कोई थी पता नहीं, वो नर्मदा माता को यहाँ लेके आई थी और उनको साथ ये भी आ गई थी, तो उनका ये मंदिर है, काफ़ी बेहतरीन मंदिर है। इसका शुल्क भी लगा हम लोगों को 25-25 रुपये दे के आना पड़ता है कोई बात नहीं, आप लोगों को दिखाने के लिए
हम 25 के या 50 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरह से बोल सकते हैं इसको ना, ये पूरा भगवान भगवान का मंदिर है, पूरा भगवानों का गार्डन बोल सकते हैं इसको। तो गाइस हम लोग घूम घूम के काफ़ी थक गए थे, अब फाइनली आ चुके हैं होटल। होटल में ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे कपिल दरा दूधरा। ब्रेकफास्ट के बाद और होटल चेकआउट के बाद मैं आ चुका हूँ कपिल धारा में। कपिल धारा नीचे ही है इधर, इस साइड से अभी मैं पुल में हूँ, क्रॉस करके फिर नीचे जाऊँगा। नीचे मैं आपको दिखाता हूँ फिर कैसा है नज़ारा। बहुत थकने का टाइम आ चुका है, अब सीढ़ी से उतरेंगे। नीचे है कपिल धारा, उसके थोड़ा और नीचे है दूध धारा, तो सीढ़ी उतरते हैं। इधर का नज़ारा भी बहुत अच्छा है, बंदर लोग भी इधर उधर घूम रहे हैं। डर लग रहा है मेरा, कैमरा ना छिन जाए। यहाँ से यहाँ नीचे जाना है, वो उस साइड में चलना है, इस साइड चल, धीरे धीरे चलना। बस पहुँचे वाले हैं, पहले नीचे से जाना पड़ता था यार, अब यहाँ से जाना पड़ रहा है। नहीं सो ब्यूटीफुल यार, लवली। उधर जाइए क्या? नहीं, यहीं से रुक जाते हैं ना, कहाँ आगे जाएंगे फालतू में। नीचे तो उतरना ही नहीं है अपने को। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कपिल धारा, बहुत बेहतरीन सीन लग रहा है, इसका सीनरी भी बहुत अच्छा है। बंदर लोग ऊपर में खेल रहे हैं और आगे बेहतरीन नज़ारा लग रहा है, मज़ा आ गया देख के। और नीचे भी दूध धारा है, वहाँ भी देखते हैं मूड होगा जाएंगे, नहीं तो फिर जाना है क्या? नहीं, चलना चलते हैं। नहीं जाना है क्या? नहीं, नहीं जाना है। क्यों छोड़ा एक्चुअली? फिर नहीं जाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, नेक्स्ट टाइम आएंगे तब चलेंगे, ठीक है? हाँ। सीढ़ी चढ़ने में तो हालत ख़राब हो जाएगी यार। नहीं होगा, थोड़ा सा तू मेरे को पकड़ के चढ़ना, नहीं चढ़ पाऊँगा तो, ठीक है? सो सैड हम लोग कपिल धारा नहीं जा पाए, क्योंकि इसको नहीं जाना था, दूध धारा नहीं जा पाए, दूध धारा नहीं जा पाए इसके कारण। और उधर से हम लोग आए हैं, यहाँ तक आ गए हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो हमारे सीट का ये वाला बंदर क्या हाल कर दी है। तो सब लोग गुजारिश है, जो भी कपिल धारा दूध धारा जा रहा है, तो गाड़ी ऐसी ना छोड़ दे, किसी के रखवाली में छोड़े, क्योंकि बंदर तो आपको नुकसान कर देगा भैया, आप देख लेना क्या करना है आपको। तो हम लोग यहाँ अभी यहाँ रुके हैं, वापसी जा रहे हैं वापस बिलासपुर। तो अभी हम लोग बीच में रुके हैं, यहाँ एक मंदिर पड़ रहा है, वहीं बाबा जी रहते हैं, वहाँ अकेले रहते हैं, नहीं रुके हैं, वेट करते हैं मम्मी पापा का आ जाएंगे तो फिर आगे चलते हैं। टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30 बजे और हम यहाँ हैं केवची के पास, एक सत्कार रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना खाएंगे, खाना खा के फिर आगे बढ़ेंगे बिलासपुर के लिए। थोड़ी टाइम बाद कितना देर लगेगा हम लोग को पहुँचने में यार, कम से कम 2-3 घंटा लग जाएगा पहुँचने में, उसके बाद थोड़ा ठीक लगेगा। बहुत चला चला गए और कल रेस्ट भी नहीं गया, बहुत घूमे, हालत ख़राब हो गया। अभी हम लोग यहाँ रुक गए हैं खुर्री फाटक में, ट्रेन आने वाली है इसलिए रुक गए हैं। मम्मी पापा लोग भी बहुत दूर में है ना, इसलिए रुके हैं। पेट खराब हो जाएगा। तो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ वापस पहुँच गए हम, जय माँ बंजारी दाई मंदिर। और अभी कुछ किलोमीटर बच गया है, 30-35 किलोमीटर बच गया है वहाँ, फिर घर पहुँच के मैं ब्लॉग एंड करता हूँ। तो गाइस टाइम हो रहा है 9:00 PM और हम लोग 6:00 PM घर पहुँच गए थे। घर पहुँचने के बाद इतना हालत ख़राब हो गया था कि 1.5 घंटा रेस्ट किया, उसके बाद खाना वाना खाया, फिर अभी जाके मैं लास्ट पार्ट शूट कर रहा हूँ, क्योंकि इतना हालत ख़राब हो गया था बाइक चला के, क्या बताऊँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब का बटन दबाए भी ना जाए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।